प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। लखनऊ का नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार, लेकर फिर हाजिर हूँ एक बार साप्ताहिक राशिफल। चर्चा करेंगे 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक के सप्ताह की सबसे पहले मुख्य त्यौहार। तो सप्ताह बहुत ही अच्छे त्यौहार से शुरू हो रहा है, प्रदोष व्रत है भाई, सोमवार के दिन 5 दिसंबर के तारीख को, तो निश्चित तौर पर पूजा पाठ जो लोग व्रत रखते हैं जरूर करिएगा। खासतौर से बात करें तो 7 तारीख को पूर्णिमा व्रत रहेगा, एक अच्छा दिन, और अन्नपूर्णा जयंती 8 तारीख को रहेगी, रोहिणी व्रत थर्सडे 8 तारीख को रहेगा, और पौष मास की शुरुआत 9 तारीख को शुरू हो जाएगी फ्राइडे से। निश्चित तौर पर संडे का दिन संकष्टी चतुर्थी का है, जरूर मनाइएगा। बात कर लेते हैं राशिफल की। सबसे पहले बात मेष राशि वालों की, तो मेष राशि वालों कैरियर व्यवसाय में लाभ के संकेत। कैरियर व्यवसाय में जो परेशानियां चली आ रही थी खत्म होगी, अधिकारी वर्ग खुश रहेगा, उसी के साथ साथ कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आर्थिक पक्ष की बात करें, कोई व्यक्ति बड़ा लाभ के लिए आपको सलाह देगा, मार्गदर्शन करेगा, जो कि आने वाले समय में बहुत फ्रूटफुल होगा। पारिवारिक जीवन खुशहाल, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी, प्रेम संबंध बेहतर होंगे। स्वास्थ्य के मामलों में गले की समस्या छोटा मोटा परेशानी दे सकती है। शुभ तारीख की बात करूँ इस सप्ताह, तो 7 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख अच्छी रहेगी। महा उपाय की बात करूं, दुर्गा चालीसा का पाठ करना लाभकारी रहेगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 8। बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की, मिला जुला सप्ताह है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी तब आसानी से फल मिलेंगे। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे तब जाके छोटे फल मिलेंगे, तो इसलिए मेहनत बरकरार रखिएगा। आर्थिक पक्ष मजबूत दिख रहा है, रुपये पैसे की आवक बेहतर रहेगी, विदेशों से शुभ समाचार मिल सकता है। पारिवारिक जीवन खुशहाल दिख रहा है, माता पिता से रिश्ते बेहतर, लेकिन पति पत्नी के बीच क्लेश की स्थिति पैदा हो रही है, संबंध विच्छेद तक का डर बना रहेगा। स्वास्थ्य मामलों में पेट की समस्या परेशान करेगी। शुभ तारीख की बात करूँ इस सप्ताह, तो खासतौर से 11 तारीख और 6 तारीख अच्छी रहने वाली है। महा उपाय की बात करूँ, किसी भी छोटी कन्या, 5 साल से छोटी कन्या को उसकी पुस्तकें जो उसको पढ़ाई में रोज नीडेड होती हैं या उससे रिलेटेड कोई सामग्री दान करना लाभकारी रहेगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 6 अंक। बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की, कैरियर व्यवसाय में जो उठा पटक चली आ रही थी थोड़ी शांत होगी, थोड़ा बेहतरी आएगी, मन में कॉन्फिडेंस और प्रसन्नता बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष बेहतर होगा, रुका हुआ धन वापस मिलेगा, कर्जों से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंधों में बेहतरी, शादी की तरफ मुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, घर में लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में बेहतरी दिख रही है, कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बनता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य के मामलों में गले की प्रॉब्लम, सरदर्द परेशान कर सकता है। शुभ तारीख की बात करूँ तो भाई 6 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख अच्छी रहने वाली है। महा उपाय की बात करूँ, हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभकारी रहेगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 7 अंक। बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की, कैरियर और व्यवसाय में वापस चीज़ें पटरी पर आएंगी, धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होना इस सप्ताह से शुरू होंगी, अधिकारी वर्ग आपकी सुनेंगे और चीज़ों में बेहतरी दिखना नजर आएगी। आर्थिक पक्ष मजबूत है लेकिन अभी भी खर्चे बढ़े हुए हैं, रोग शत्रुओं पर पैसे कम से कम खर्चों, उसके लिए एक अच्छी प्लानिंग करना जरूरी हो गया है। खास तौर से शेयर मार्केट अभी भी अच्छा लाभ देती रहेगी। पारिवारिक जीवन बेहतर होगा, पति पत्नी के संबंध बेहतर होंगे, एक दूसरे का भरपूर साथ निभाएंगे, प्रेम प्रसंग में सफलता मिलने के योग नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य के मामलों में बालों की समस्या, दांतों की समस्या परेशान कर सकती है। शुभ तारीख 6, 7, 8 रहने वाली है। महा उपाय की बात करूं तो निश्चित तौर पर हो सके तो ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सा बुद्धाय नमः, उसी के साथ साथ शिव जी की पूजा करना लाभकारी रहेगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की, कैरियर व्यवसाय में बेहतरी के योग, विदेशों से शुभ समाचार मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, रुपये पैसे बेहतर होंगे, उसी के साथ साथ सेविंग्स में कुछ अच्छा करेंगे, शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन खुशहाल, माता पिता का भरपूर सहयोग, प्रेम प्रसंग में लाभ, दाम्पत्य जीवन में बेहतरी के संकेत हैं, ससुराल पक्ष से भी लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य के मामलों में पूर्णतः स्वस्थ दिख रहे हैं इस सप्ताह। शुभ तारीख 5, 6 और 10 रहने वाली है। महा उपाय, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 9 अंक। बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की, कैरियर व्यवसाय में तरक्की के योग है, कोई नई जगह नौकरी मिल सकती है, कई नई जगह से ऑफर आ सकता है और आगे के रास्ते खुल सकते हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, रुपये पैसे की स्थिति बेहतर रहेगी, धन की आवक बेहतर होती नजर आ रही है। पारिवारिक जीवन खुशहाल दिख रहा है, माता पिता का भरपूर सहयोग नजर आ रहा है, प्रेम प्रसंग में सफलता मिलने के योग दिख रहे हैं।
स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या, डाइजेशन की समस्या परेशान करेगी। शुभ तारीख की बात करूँ दुर्गा चालीसा का, शुभ तारीख की बात करूँ 5, 6 और 11 रहेगी। महा उपाय की बात करूँ दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 7। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक, नो योर फेट। बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय में मेहनत करते रहिएगा, सफलता मिलती रहेगी। अधिकारी वर्ग से कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, वो आपकी बात सुनेंगे और ध्यान देंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, रुपए पैसे की स्थिति बेहतर रहेगी और खास तौर से काफ़ी कर्जे निपटाने में ये सप्ताह बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन खुशहाल, माता पिता का भरपूर सहयोग, प्रेम प्रसंग में सफलता, पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य के मामलों में छोटी मोटी समस्या हो सकती है, कहीं ना कहीं बॉडी पेन वगैरह, बाकी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। शुभ तारीख की बात करूँ 5th, 6th और 10th नज़र आ रही है। महा उपाय की बात करूँ तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को एम हीम क्लीन चामुंडा विच्चे इस मंत्र का पाठ करना चाहिए इस सप्ताह। शुभ तारीख जो बताया मैंने 5, 6 और 10 और महा उपाय, इसका पाठ करना लाभकारी रहेगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 7 अंक। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। कैरियर व्यवसाय में छोटी मोटी परेशानी आ सकती है। कैरियर और व्यवसाय में शत्रु पक्ष हावी हो सकता है, लोग बैक बिचिंग कर सकते हैं, आपकी बुराई कर सकते हैं, इस वजह से स्थिति खराब हो सकती है। नजरें आँख कान नाक खोल कर रखिए। धन के मामलों में स्थिति बेहतर दिख रही है इस सप्ताह, और खास तौर से रुका हुआ धन, पैतृक संपत्ति में फंसा हुआ धन मिलने के संकेत हैं। पारिवारिक जीवन बेहतर, दाम्पत्य जीवन में लाभ, प्रेम प्रसंग में सफलता के योग हैं। स्वास्थ्य के मामलों में पूर्णतया स्वस्थ इस सप्ताह दिख रहे हैं। शुभ तारीख की बात करूँ तो निश्चित तौर पर 7, 8 और 10 तारीख अच्छी रहेगी। महा उपाय की बात करूँ हनुमाष्टक का पाठ करना लाभकारी रहेगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। बात कर लेते हैं धनुराशि। कैरियर व्यवसाय में छोटी मोटी उठापटक रहेगी। कैरियर और व्यवसाय में अधिकारी वर्ग नाराज हो सकते हैं, बहुत फोकस रखना होगा, कंसंट्रेशन कम रहेगा, लेजीनेस ज़्यादा रहेगी। आर्थिक पक्ष में रुपए पैसे खोने के डर है, चोरी होने के डर है, वहाँ फोकस रखिएगा। आर्थिक पक्ष में खासतौर से उधार लेन देन से बचिएगा। पारिवारिक जीवन बेहतर होगा, एक संबल की तरह आपका पार्टनर आपका सहयोग करेगा, सपोर्ट करेगा, जिससे कि आपका मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम प्रसंग में लाभ की संभावनाएं नजर आ रही। स्वास्थ्य मामलों में ओवरऑल स्वस्थ दिख रहे हैं, दांतों की समस्या छोटा मोटा परेशानी दे सकती है। शुभ तारीख की बात करूं 7, 8, 9, 10 रहने वाली है। महा उपाय की बात करूं विष्णु चालीसा का पाठ करना लाभकारी रहेगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 7 अंक। बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय में बेहतरी के योग है। कैरियर और व्यवसाय में एक उच्च पद मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। बाहर नौकरी मिलने के भी संकेत बेहतर हो रहे हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, रुपए पैसे की स्थिति बेहतर रहेगी, कर्जों से मुक्ति मिलेगी, कोई बहुमूल्य आइटम घर में आ सकता है। पारिवारिक जीवन खुशहाल दिख रहा है, माता पिता का सहयोग, प्रेम प्रसंग में लाभ और सफलता, दाम्पत्य जीवन में जो तलखियां चल रही थी वो खत्म होंगी। स्वास्थ्य के मामलों में घुटनों की समस्या परेशान कर सकती है। शुभ तारीख की बात करूँ भाई तो 1, 9, 10 रहने वाली है। महा उपाय की बात करूँ तो निश्चित तौर पर शनि देव को तेल अर्पित करना लाभकारी रहेगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कैरियर व्यवसाय में लाभ के संकेत हैं। कैरियर व्यवसाय में कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपको लाभ पहुंचाएगा। धन की स्थिति भी बेहतर होगी, अचानक धन प्राप्ति के योग, विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत कड़वाहट बढ़ेगी आपके ईगो और आपके तेज आवाज की वजह से, उस पर कंट्रोल करिएगा। रिश्ते खासतौर से प्रेम संबंध में भी अलगाव की स्थिति दिखती है। स्वास्थ्य के मामलों में गले की समस्या परेशान करेगी। शुभ तारीख की बात करूं तो 8 तारीख दिख रही है। महा उपाय की बात करूं डबल कलर डॉग को कुछ फीड कराइएगा, वेडनेसडे और सैटरडे लाभ मिलेगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 5 अंक। बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। कैरियर व्यवसाय में लाभ के संकेत हैं। कैरियर व्यवसाय में ओवरऑल आपकी बात सुनी जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशन मिल सकती है, पावरफुल पोजिशन मिल सकती है। धन पक्ष मजबूत रहेगा, आर्थिक पक्ष बेहतर हो रहा है, जीवन स्थिति बेहतर। पारिवारिक जीवन खुशहाल, माता पिता का भरपूर सहयोग, प्रेम प्रसंग में सफलता दिख रही है। स्वास्थ्य के मामलों में लाभ दिख रहा है और ओवरऑल स्वास्थ्य बेहतर दिख रहा है। शुभ तारीख की बात करूं 5, 6, 10 रहने वाली है। महा उपाय की बात करूं ओम मीनाधिपतये नमः इस मंत्र का पाठ या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का पाठ करना लाभकारी रहेगा। तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिए, औरों तक पहुँचाइए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब।
डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।